हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब प्याज की सब्जी की रेसिपी। कुछ ही मिनटों में झटपट मज़ेदार सी प्याज की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। जब घर पर कोई सब्जी ना हो या फिर कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 1/4 किलो प्याज ली है, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर तेल में प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप प्याज की सब्जी कह लें या फिर प्याज की चटनी, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो सारे मसाले हमने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। साथ ही में हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पर इसे कवर करके पकाएंगे। तो इस सब्जी को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो टमाटर ऐड किए थे वो थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब इसे फिर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पका लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया प्याज की सब्जी बनकर तैयार हुई है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया प्याज की सब्जी बनकर तैयार हुई है। कुछ ही मिनटों में कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही लाजवाब प्याज की सब्जी बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। अब इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें बेसन की सेव ऐड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।